नमस्ते, मैं राजकुमारी। मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मेरा गला बैठा बैठा हुआ रहा है क्योंकि आज मुझे जुकाम हो गया है। और फ्रेंड्स, ये हुआ है मेरे को कल लेट नहाने से। तो फ्रेंड्स, कल तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, तो इस वजह से लेट नहाने का कारण फ्रेंड्स देखो, आपकी खांसी जुकाम आज हो चुका है। और फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, अभी 4 बजे हैं। और आज भी मैंने फ्रेंड्स जो काम नहीं करने थे वो काम मैंने आज कर लिए हैं, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा काम फ्रेंड्स कभी कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आज का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो मनी प्लांट मैं आपको बता रही थी रोज़ कि फ्रेंड्स आज इसको ठीक करूँ, तो फ्रेंड्स मैंने उसको थोड़ा बहुत ठीक किया है, तो बताती हूँ। इस मनी प्लांट को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया है आज। और फ्रेंड्स, रोज़ रोज सोचती थी इसको करना है, और थोड़ा सा इसको इधर से घुमाव दे दिया है फ्रेंड्स, तो फिर इसको इधर लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, आज पेड़ पौधों में बिल्कुल पानी नहीं डाला है। और थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें भी चेंज किया है आज, जो फ्रेंड्स पीले पत्ते पड़ रहे थे ना, उनको सबको हटा दिया है मैंने आज। और थोड़े से इसके अंदर है ना फ्रेंड्स, मैंने हल्के से ना गुड़ाई भी की है आज। और फ्रेंड्स, इनकी भी गुड़ाई करना ज़रूरी है, चेक भी करना होता है, क्योंकि मैंने इसको हैंग कर रखा है, प्लांट में भी पतझड़ आता है। तो फ्रेंड्स, मेरे को टेंशन हो गई थी कि इनकी भी मनी प्लांट पीली पीली कैसे पड़ रही है, तो फ्रेंड्स उसको भी चेक किया था। तो फ्रेंड्स, इस वजह से ना ये काम हो गया। अगर फ्रेंड्स मेरे मनी प्लांट के पीले पत्ते नहीं पड़ते तो मेरे को आज ये ठीक करने का मौका भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, दिखाती इसके जो पीले पत्ते पड़े हुए हैं और प्लांट की पीले पत्ते मैंने नीचे पटक दिए हैं। और फ्रेंड्स, इनका भी पतझड़ आता है। जो अच्छा काम हुआ ना फ्रेंड्स मेरे, जो ये मैंने मोसिस्टिक बनाई है ना फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स। और इसके सहारे से ना फ्रेंड्स, जो मनी प्लांट का जो लुक आ रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत शानदार आ रहा है। और ये फ्रेंड्स मैं बहुत दिन से करना चाह रही थी पर हो नहीं पाया था, और अब हो गया था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पास से और दिखाती हूँ। जैसे मनी प्लांट का भी काम कर दी, इधर वाली मनी प्लांट का भी हो गया। और फ्रेंड्स, एक काम और किया है मैंने, तो वो भी मैं ना जो आपको इतने दिन से बोल रही थी वही करूँगी, तो फ्रेंड्स वो काम भी मैंने आज कर दिए। जो मेरे बाकी के काम पड़े हुए थे इतने दिन से फ्रेंड्स, वो मैंने आज कर दिए हैं। मैं आपको बहुत दिन से बोल रही थी कि पर्पल हार्ट की जो मेरे प्लांट डोली पर रखे हुए थे, तो फ्रेंड्स उनको भी आज मैंने अच्छे से ना जो कटिंग कर दी है और अच्छे से उनको लगा दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, पर्पल हार्ट का प्लांट है फ्रेंड्स, और ये है ना जो छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। और फ्रेंड्स, इसका लगाने का वीडियो भी मैंने शेयर कर रखा है, तो आप मेरी प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बताती हूँ, इसके लिए वेल्डन मिट्टी होनी चाहिए और पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ये ज़्यादा पानी में ये गल जाती है। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो मैंने कुछ कटिंग कर करके और इधर से कट करके फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ इसमें लगा दी है। और इसमें फ्रेंड्स देखिए, इस कलर के पर्पल कलर के फूल आते हैं, और देखो कितने मस्त फ्लोवर आ रहे हैं, बहुत शानदार लगते हैं फ्रेंड्स इसके फ्लोवर। तो आज मैंने इसमें थोड़ी बहुत इसमें लगा दी है, और फ्रेंड्स पूरे ही फ्लोवर से भरा हुआ है ये। और फ्रेंड्स बहुत इजी है और लगने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, ये इसके फ्लोवर आते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत शानदार लगते हैं। और ये देखिए छत पे। और फ्रेंड्स, मेरे आज खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और फ्रेंड्स लेट नहाने के कारण है ये। कल मूली की जो हार्वेस्टिंग करी और उसकी सब्जी बनाई ना फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगी, बहुत टेस्टी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी। और फ्रेंड्स उसके जो पत्ते थे ना बिल्कुल हेल्दी थे, तो फ्रेंड्स मतलब कचरा 1% निकला ही नहीं। और घर की मूली फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार लगा कर देखो फ्रेंड्स, आप यूँ कहेंगे कि मतलब आनंद कुछ और ही है घर की सब्जी का फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार। और मौसम देखो फ्रेंड्स, धूप निकल रही है पर फ्रेंड्स ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत बेकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या ठंडी हवा चल रही है, मैंने सिर पर ओढ़ लिया है। और फ्रेंड्स आज भी है ना मैंने जैसे छत का झाड़ू वाड़ू लगाया है और पूरे प्लांटों को अच्छे से जमाया है, तो वो दिखाती हूँ आप। प्लांटों को अच्छे से जो जमा दिया है, झाड़ू वाड़ू निकाला था, और फ्रेंड्स रोज़ करना पड़ता है। और फ्रेंड्स ये देखो, ये फूल अपना आप ही शायद हवा से टूट चुका है, और क्योंकि अभी हवा चल रही है तो फ्रेंड्स इसको तोड़ ही लेते हैं, ये देखो। तो फ्रेंड्स इसको रख देती हूँ। ये मेथी की हार्वेस्टिंग, मेथी अच्छी हो चुकी है आज, तो फ्रेंड्स इसमें से भी करनी है। और
इसमें भी आ रही है थोड़ी बहुत, तो दोनों में से करनी है फ्रेस। और दूसरे कैरेट में भी आ रही है मेरे, तो अभी हार्वेस्ट इसमें से कर लेती हूँ। मैंने हार्वेस्ट कर ली है और ये रख दी मैंने के लिए ना हार्वेस्टिंग करी है, तो मैंने कैमरा रख दिया था। और फ्रेंड्स ये क्या है कि जैसे मेथी होती है ना, तो इसको हार्वेस्ट करने के लिए है ना जो दोनों हाथों की सहायता से करना पड़ता है। और फ्रेंड्स तो दूसरी वाली कैरेट है उसमें, दूसरी वाली में लगा रखा है तो उसमें से भी कर लेती हूँ। मेथी हार्वेस्ट कर ली और मैंने कैमरा चलाया ही नहीं, और चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ। हार्वेस्टिंग तो कर ही ली मैंने इन दोनों जगह से, फ्रेंड्स मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है। और फ्रेंड्स अभी इनके अंदर फ्रेंड्स मैं लिक्विड खाद डालूंगी, तो फ्रेंड्स अभी मैं सुबह डालूंगी, अभी क्या ठंड हो गई है तो फ्रेंड्स इसमें लिक्विड खाद डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स और अच्छे से मतलब और दोबारा लेनी है ना हार्वेस्टिंग, तो फ्रेंड्स खाद डालना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स इसमें लिक्विड खाद देते हैं, तो फ्रेंड्स मैं कल सुबह मॉर्निंग में दूंगी इसको। और अभी दूसरी जगह से और ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए और चलते हैं फ्रेंड्स। मैंने लौकी की बेल में ना फ्रेंड्स ने जो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आए थे, तो मैंने क्या है उसका हैंड पोलिनेशन किया। और फ्रेंड्स मैं हैंड पोलिनेशन करती हूँ तो लौकी है ना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका कारण भी ये है कि ये क्या है शाम के टाइम इसका फ्लावर खिलता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं शाम को आई कपड़े लेने, तो खिला हुआ था, तो फ्रेंड्स दोनों ही मेल और फीमेल दोनों फ्लावर खिले हुए थे, तो मैंने उनका हैंड पोलिनेशन कर दिया। और देखो फ्रेंड्स दिखाती हूँ आपको, लौकी पे है ना, लौकी का फल है ना फ्रेंड्स, इस पर मैंने हैंड पोलिनेशन किया था। तो फ्रेंड्स मेल फ्लावर मैं बताती हूँ आपको, फ्रेंड्स ये वाला है, तो ये मेल फ्लावर है। तो फ्रेंड्स इसको तोड़ के और मैंने दोनों को टच कर दिया था, हल्का सा टच कर देते हैं मेल फ्लावर को, उससे है ना जो लौकी का फल तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके ना जो एक पन्नी लगाई थी, फिर फ्रेंड्स आज हवा बहुत तेज़ चल रही है तो पन्नी उड़ चुकी है, फिर भी फ्रेंड्स अभी मैं पन्नी लगाती हूँ उसके, पन्नी लगा दी है। और पन्नी लगाना, पन्नी इसलिए लगाती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि वाइट कलर की जो मक्खी होती है ना डंक मार देती है, तो फ्रेंड्स उससे क्या ये फल ख़राब हो जाता है, तो मैंने उस पर पन्नी लगा दी। और फ्रेंड्स और भी है उन पर भी लगा रखी है मैंने, ये क्या लगाने का कारण मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स इससे क्या जब तक थोड़ा बड़ा फल नहीं होगा तब तक ऐसे कवर करके रखेंगे फ्रेंड्स। और 3G कटिंग की फ्रेंड्स कमाल देखिए आप, कि ये देखिए इतने अधिक संख्या में इसके अंदर ये सब लौकी वाले फल है फ्रेंड्स, ये 3G कटिंग के कमाल होते हैं फ्रेंड्स। मैंने और 3G कटिंग कैसे की जाती है तो फ्रेंड्स इसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करना फ्रेंड्स। और अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, फिर भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैंने अभी बीज डाले और आप लोग भी अभी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स अभी तो अब मेरी बेटी ने चाय बना ली, क्योंकि वो सो रही थी इस टाइम जब छत पर आई थी तब मैं उसने चाय बना लिया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पी लीजिए, और चाय पी के फ्रेंड्स थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और करनी है मेथी की, तो अभी चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। बेटी आ चुकी है, थोड़ी सी मेथी और उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये कैमरा पकड़ेगी अभी। और फ्रेंड्स इसमें कुछ अच्छे से बढ़ रही है क्योंकि ये बड़े वाले कंटेनर में लग रही है। और फ्रेंड्स इसके अंदर कीड़े नहीं है बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स क्या मेथी के अंदर दोनों हाथी काम आते हैं। और फ्रेंड्स इसका हरा धनिया आ रहा है, तो मैं यहाँ से ऊपर से इसको कट कर लेती हूँ, तो हरा धनिया भी फ्रेश फ्रेश मिल गया है। कुछ मेथी इधर आ रही है और इसकी ग्रोथ बहुत मस्त हो रही है, तो इसको इनसे मैं तोड़ लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसमें मैंने बैंगन लगा रखे हैं, तो इनकी बैंगनों की ग्रोथ भी बहुत मस्त हो रही है, देखो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साल भर ही उगा सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको फ्रेंड्स। और ये कांटे वाले बैंगन है। और फ्रेंड्स मेरे अभी है ना थोड़े दिन पहले अभी मैंने लंबे वाले बैंगन बहुत सारे आए फ्रेंड्स, बहुत सारे, और फिर उनसे अच्छे से हार्वेस्टिंग ले ली थी मैंने। और फ्रेंड्स थोड़ी बहुत मेथी और आ रही है, इसमें से ले लेती हूँ। बैंगन अभी बैंगन के बीज डाले थे फ्रेंड्स अभी थोड़ा दिन पहले, तो उनके छोटे छोटे अभी उगे हुए हैं, तो फ्रेंड्स अभी आप बैंगन डाल सकते हो आराम से। और कटिंग छटिंग करी थी आज जो ये पत्ते थे इसके टमाटर के, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा आ रहे, जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने थोड़े कट कर दिए हैं। और इस प्रकार से फ्रेंड्स इनको कट करके फिर मैंने इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ पर, कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे जो मतलब बिचम बिचे हो रहे थे फ्रेंड्स, तो ग्रोथ में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, तो फ्रेंड्स मैंने हटा दिए थोड़े बहुत, दिखाती हूँ। मैंने आज इसमें से कुछ पत्ते हटा दिए हैं और इसके अंदर
देखिए फ्रेंड्स, अब दिख रहे हैं थोड़ा स्पष्ट टमाटर, और फ्रूटिंग तो अच्छे से हो ही रही है फ्रेंड्स अभी, और मैं आपको रोज ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स इधर वाली कैरेट के अंदर भी यही किया था आज। तो फ्रेंड्स फालतू पत्ते होते हैं ना, मैं उनको हटा देती हूँ, और टमाटर अच्छे से आ ही रहे हैं इनके अंदर, और इधर भी आ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये वाले भी। और फ्रेंड्स इसमें से भी मैंने कुछ कट करे थे फ्रेंड्स, क्योंकि पता नहीं कुछ पत्तों में रोग सा लग चुका था, तो फ्रेंड्स मैंने उसमें से भी कट कर दिए आज इसमें से। ये ना फ्रेंड्स थोड़ी बहुत अभी अच्छे से चली रही है, तो फ्रेंड्स अभी 2-4-5 दिन और लगेंगे इसको अच्छे से बनने में। जो शिमला मिर्च के और बैंगन के इनके जो पौधे फ्रेंड्स, उनको मैंने सबको एक जगह इकट्ठे कर दिए आज, तो दिखाती हूँ आपको। मिर्च ने ग्रोथ पकड़ ली है और कुछ कीड़े से लग रहे हैं फ्रेंड्स ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन पर थोड़ी सी राख होती है उसके छिड़काव कर दिया था। और इधर जो बैंगन के हैं और ये गोभी के लग रहे हैं, और फ्रेंड्स अभी बैंगन मेरे ये एक ही आ रहा है, और इसमें तो फ्रेंड्स है ना जो बहुत सारे आ रहे हैं फल। तो अब देखो फ्रेंड्स ये क्या है, थोड़े से अभी धूप प्रॉपर मिल नहीं रही है, से इनकी अच्छे से फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और ये गाजर लग रही है, लहसुन की ज़्यादा कलियाँ आ रही है, तो थोड़ी सी इनमें से लहसुन की जो पत्तियाँ हैं वो ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज चटनी बनाने का मन कर रहा है, तो फटाफट से ले लेती हूँ। और फ्रेंड्स इनकी चटनी बहुत शानदार लगती है फ्रेंड्स, मैं तो खाती हूँ। देखो तो ये देखिए इतनी सारी निकल चुकी है, ये भी रस में रख देते हैं। बोल रहे थे ना केनचला में फ्लोवर खिलने वाला है, तो फ्रेंड्स आज खिल चुका है, तो अभी दिखाती हूँ आपको। करते हैं फ्रेंड्स जीनिया से, ये भी जीनिया के और ये है मेरे केनचला के। तो फ्रेंड्स अभी इसमें नहीं खिले, और इस वाले में थोड़े से खिल चुका है, तो ये आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इनके फूल है ना जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, देखो तो मेरे एक ही खिला है आज, और पुराने फ्लावर थे फ्रेंड्स उनको तोड़ के मैंने नीचे डाल दिए हैं। अच्छे से मेथी की हार्वेस्टिंग निकल चुकी है मेरी, और फ्रेंड्स आज मेथी के पराठे बनाएंगे बच्चे। तो फ्रेंड्स साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतनी साफ़ सुथरी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है कि घर की तो चीज़, मतलब कहते हैं फ्रेंड्स घर की शुद्ध होती है बिल्कुल। आ चुकी हूँ क्योंकि सर्दी की ठंडी ठंडी लहर चल रही है, और फ्रेंड्स टाइम हो चुका है अब 5:30 बज चुकी है, और अभी मैं आपको बताती हूँ 5 बज चुकी है। आज का वीडियो इतना ही है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। कल भी है ना जो मूली की हार्वेस्टिंग मिल गई थी, तो मूली की सब्जी बन चुकी थी, और आज फ्रेंड्स है ना जो मेथी के पराठे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मेरे घर में जो है ना सब्जियाँ निकल जाती है फ्रेंड्स, तो मुझे मतलब एक तरह से बचत भी है और अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। तो अभी 5:30 बज चुकी है, और फ्रेंड्स दिन अच्छे से निकल जाता है। और थोड़ी फ्रेंड्स क्या गलती मेरी थी, कल अगर मैं सही टाइम पर नहा लेती तो फ्रेंड्स मुझे जुकाम नहीं लगती। तो अब ये है कि जब गलत टाइम पर कोई काम होता तो फ्रेंड्स वो सही नहीं होता, तो बस यही है कि जुकाम लगने का कारण यही है। और अभी बस अब एडिटिंग करूँगी फ्रेंड्स, देखूँगी करूँगी, तो फ्रेंड्स